हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार आइडिया, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। अगर आपने 2021 में लॉन्च होने वाली गाड़ियों का नाम सुना है तो ये ज़रूर सुना होगा कि MG अपनी ZS EV का पेट्रोल वर्जन लाने वाली है। इट्स फाइनली हियर, कंपनी ने इसे नाम दिया है MG Aster। हाँ, इसे देखकर आपको ZS की याद ज़रूर आएगी। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ZS EV का फेसलिफ्ट ऐसा ही दिखता है। चलिए बताती हूँ आपको इसकी सारी डिटेल। सामने सबसे पहले तो नोटिसेबल है ये ग्रिल, जो कि ऐसा लगता है जैसे MG से रेस बाहर की तरफ निकल रही हैं MG के लोगों से। एंड नाम इसको दिया गया है सेलेस्टियल ग्रिल, क्योंकि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है। ये जो हेडलैम्प है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये बूमरैंग शेप के आपको DRL मिलेंगे और इनके अंदर आपको ये 9 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, 9 LED एलिमेंट्स। ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसके जो हेडलैम्प हैं उनको एक नया लुक देते हैं, फ्रेश अपील देते हैं। इन हेडलैम्प्स में 21 LED एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर जो फॉग लैम्प दिया गया है वो LED नहीं है, वो हैलोजन है। उसके आसपास आपको पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल दिखाई देगा। बम्पर का डिज़ाइन बिल्कुल नया है, वहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक दिखाई देता है। और सेंटर में नज़र डालिए, ये आपको नज़र आएगा रेडार सेंसर, और वो इसलिए क्योंकि जो ये गाड़ी है Aster, ये ADAS सिस्टम के लिए ना सिर्फ कैमरे को इस्तेमाल करती है बल्कि रेडार्स का भी इस्तेमाल करती है। 5 कैमरे हैं इसमें, 6 रेडार सेंसर्स हैं जिसके थ्रू आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है। उसके बारे में और डिटेल दूंगी जब मैं अंदर जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। Aster में आपको 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं, ये डायमंड कट अलॉयज हैं। इनका डिज़ाइन नया है, फ्रेश दिखते हैं। इसमें ऑल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और एडेड इफेक्ट के लिए रेड कलर कैलिपर्स। इसके साथ ही MG की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने ब्रिटिश लीनियज को हाईलाइट करे, तो यहाँ पर आपको वो ब्रिट डायनामिक लिखा हुआ दिख जाएगा। अब अगर आप ये ग्लास एरिया पर नज़र डालें तो इसका जो शेप है वो ऐसा लगता है कि आगे की तरफ झुकता है और Aster के साइड प्रोफाइल को एक स्पोर्टी अपील देता है। यहाँ पर डोर हैंडल्स डुअल कलर में दिए गए हैं, नीचे आपको ब्लैक क्लैडिंग दिखाई देगी। ऊपर जो रूफ लाइन है वो नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द रियर प्रोफाइल। जो ट्रीटमेंट हमने हेडलैम्प में देखा है वही आपको यहाँ पर टेल लैम्प में भी दिखाई देगा, वैसे ही डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर आपको यह बूमरैंग शेप दिखाई देगा, देखने में ये टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे बम्पर पर आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल दिखाई देगा और फॉर एग्जॉस्ट यहाँ पर दिए गए हैं दोनों तरफ क्रोम लाइन, दे लुक नाइस एंड गिव इट अ स्पोर्टी अपील। अब बूट स्पेस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं दिखाई दे रही है। आई थिंक दो मीडियम साइज बैग्स के लिए ये बूट ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान आप और रख पाएंगे। Aster एक स्मार्ट लुकिंग क्रॉसओवर लगती है और जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि बाकी MG की गाड़ियों से अलग इसमें क्रोम का इस्तेमाल टेस्टफुली किया गया है और बहुत ज़्यादा ब्लिंग नहीं है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड रो पर, बताती हूँ वहाँ पर कितना स्पेस है और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सेगमेंट के हिसाब से सेकेंड रो पर लेग रूम ठीक ठाक है, यहाँ पर आपके लिए सीटिंग पोजीशन अच्छी है, ये सीट की विड्थ ठीक है तो आपको वहाँ पर थाई सपोर्ट ठीक मिल जाता है। हेडरूम मेरे लिए जस्ट अबाउट ओके है। पैनारामिक सनरूफ दिया गया है तो खुला फील होता है यहाँ पर, हालांकि ये जो विंडो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर ज़रूर है। अब यहाँ पर आपके लिए ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिलते हैं, AC वेंट्स हैं और दो चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलते हैं। Aster की फीचर्स लिस्ट बहुत लंबी है, उसके लिए आपको ले चलती हूँ फ्रंट सीट पर। MG की गाड़ी है तो हम ये एक्सपेक्ट ही करते हैं कि बहुत सारे फीचर्स होंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर हैं। सबसे पहले तो आपको दिखेगा ये पर्सनल असिस्टेंट Aster, जो कि आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। हेलो Aster। हाय, हाउ कैन आई हेल्प? What's happening in sports news today? After doubling against Leicester City, Nigeria international Victor Osimhen has promised more goals for Napoli. इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें आपको विकिपीडिया इनेबल्ड है ये, तो आप काफ़ी सारे सवाल जो भी विकिपीडिया पर अवेलेबल होगा वो सारे सवाल आप इससे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये आपसे बातचीत भी कर सकता है, ये जोक सुना सकता है और आपको कुछ फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, गुरुपूरब, क्रिसमस, ईद पर विश भी करेगा।
एस्टर में मिलने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अलग है। हेक्टर से ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है क्योंकि हेक्टर या फिर ब्लास्टर वहाँ पर जो सिस्टम मिलता है उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट तो है लेकिन प्री फेड जो सर्विसेज हैं वो ही आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस सिस्टम में बाद में भी कंपनी सर्विसेज ऐड कर सकती है, यानी ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। वैसे तो ये AI फीचर काफ़ी कूल है और लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ स्पेशली रात में एंड आई सी अ पेयर ऑफ आइज लुकिंग एट मी, मुझे थोड़ा और लगेगा। लेकिन MG के पास उसका जवाब है, यहाँ पर ये लॉक फीचर दिया गया है जिसके बाद ये कम से कम आंखें बंद तो कर लेता है। MG ने अब इंटरनेट सर्विसेज के लिए जियो के साथ टाई अप किया है। पहले ये सर्विसेज एयरटेल के थ्रू मिलती थी, तो अब आपको इसमें जियो सावन भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसमें आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन तब जबकि गाड़ी स्टेशनरी हो। एंड इस स्क्रीन की, ये जो 10.1 इंच की स्क्रीन है, इसकी क्वालिटी बेहद बढ़िया है। ग्लॉस्टर की तरह ही आपको एस्टर में भी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है, लेकिन MG का कहना है कि ये ऑटोनमस लेवल 2 है, और वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर ग्लॉस्टर में जो सिस्टम है वो कैमरे का इस्तेमाल करके आपको कैमरे को सेंसर की तरह इस्तेमाल करता है, इस गाड़ी में कैमरा और रेडार टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हुआ है, और इसकी वजह से जो ADAS की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ADAS के फीचर्स मिलते हैं। जहां ग्लॉस्टर में लेन डिपार्चर वार्निंग थी, एस्टर में लेन कीप असिस्टेंस है, यानी अगर आप लेन से बाहर जाते हैं तो गाड़ी वापस आपको लेन में लाने की कोशिश करेगी। स्पीड लिमिट्स के हिसाब से ही स्पीड तय कर सकते हैं, यानी अगर आप स्पीड लिमिट पे रहना चाहते हैं देन यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट द कमांड और गाड़ी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। एस्टर में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 3D मोड है जिसको अगर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक ओवरव्यू, पूरा एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। और इस पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जिस तरफ गाड़ी के क्लिक करेंगे उस तरफ का व्यू आपको मिलेगा। इट लुक्स रियली रियली नाइस, और अच्छा सेफ्टी फीचर भी है, आपको बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो वो लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, एक बार नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं आप क्वालिटी और इसके इंटीरियर के लुक्स की, तो यहाँ पर आपको जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका नाम दिया है MG ने सांग्रिया रेड, और इस कलर कॉम्बिनेशन के अलावा आपके पास दो और कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन होगा। ये सांग्रिया रेड एंड ब्लैक है, आइवरी और उस ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ साथ ऑल ब्लैक इंटीरियर्स का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन वो कुछ वेरिएंट्स में ये ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब इसके अलावा जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल डैशबोर्ड पर दिखाई देगा, और यहाँ पर ये लेदरट का मटेरियल लगा हुआ है तो वो देखने में अच्छा लगता है। हार्ड प्लास्टिक भी है यहाँ पर ऑन द साइड, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम फील होती है। फिट एंड फिनिश भी अच्छा है इंटीरियर्स का। सामने आपको ये 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, इसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। ये 3-spoke स्टीयरिंग व्हील, इट्स नाइस टू होल्ड, और ये आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, इसको टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इस स्टीयरिंग के लिए 3 मोड्स दिए गए हैं, नॉर्मल, अर्बन और डायनामिक। MG का कहना है कि इनसे स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बदल जाता है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में कितना कामगर है ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हम इसे चला कर देखें, और हम जल्द ही इसे चलाने वाले हैं और आपके लिए पूरी टेस्ट ड्राइव लेकर आएंगे। तो आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो अपलोड की जानकारी तुरंत मिले। ये जो सीट है ये जरूर आप इलेक्ट्रॉनिकली 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ ड्राइवर के लिए मौजूद है, पैसेंजर के लिए नहीं। एस्टर में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है विद ऑटो होल्ड, और इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो ऐसे फीचर्स जो कि काफ़ी आम हैं यहाँ पर नहीं मिलते हैं, उनमें से एक तो है यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती, ये परफोरेटेड है तो थोड़ी बेटर है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है। और साथ ही बहुत सारा टेक, लेकिन फिर भी मैनुअल IRV है। Now let me tell you about engine options.
एस्टर में आपके पास दो इंजन ऑप्शंस होंगे, दोनों ही पेट्रोल इंजन हैं, एक है 220 टर्बो। वेल, ये इंजन तो है 1349 सीसी का, जो कि 140 एचपी की पावर और 220 के एनएम का टॉर्क बनाता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है 220 टर्बो। और दूसरा ऑप्शन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 110 एचपी की पावर और 144 एनएम का टॉर्क बनाता है। ये पेड है 5 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड सीवीटी के साथ। वहीं टर्बो इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। एमजी एस्टर का लॉन्च अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इसका सीधा मुकाबला होगा ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन जैसी गाड़ियों के साथ। और एमजी का कहना है कि इसकी कीमत वो काफी कॉम्पिटिटिव रखेंगे। आपको कैसी लगी एमजी एस्टर और क्या होनी चाहिए इसकी कीमत, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए।